अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेरी हुसैन और आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वेब के लेक्चर नंबर 6 में। हम सीख रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग, जिसमें अब तक हमने कंप्लीट कर लिया है कोर्स। कितना? सिर्फ HTML बनाना हमने सीख लिया है। HTML में हमने ये चीज़ें देखी हैं। सबसे पहले हमने ये बनाना, इंडेक्स पेज बनाना उसका सीखा, जो कि हमने कुछ यूँ किया, जिसमें हेडिंग्स वगैरह करना सीखी। उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें सीखी हैं, फॉर्म बनाना, ये देखें, ये लिस्ट ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट बनाना, ये चीज़ें हमने सीखी हैं, पिक्चर लगाना, टेबल बनाना हमने सीखा है, ये कुछ इस तरह से हमने बनाया है, ये देखें, ये हमने टेबल बनाना सीखा था। ये सारी चीज़ें अब तक हम सीख चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे CSS के लेक्चर, CSS यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो चलें शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। नोटपैड को स्टार्ट किया, यहाँ से न्यू लिया। आज के लेक्चर में हम काम क्या क्या करेंगे सबसे पहले वो आपको बताते चलें। आज हम CSS को स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कि फॉन्ट साइज़ कैसे चेंज किया जाता है, फॉन्ट साइज़ कैसे सेट किया जाता है, फॉन्ट स्टाइल कैसे सेट किया जाता है, बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज किया जाता है, बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाई जाती है, इमेज को सेट कैसे किया जाता है, मार्की कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे आज के लेक्चर में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले HTML का स्टार्टिंग टैग, HTML का क्लोजिंग टैग, हेड का स्टार्टिंग टैग, हेड का क्लोजिंग टैग। पहले हम बनाते हैं सिर्फ उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको। बॉडी का स्टार्टिंग टैग, बॉडी का क्लोजिंग टैग। मैं यहाँ आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो हमारी CSS होगी, जितनी भी हम CSS को इंप्लीमेंट करेंगे, वो सारी हमारी यहाँ पे हेड के अंदर जो हम टैग यूज़ करते हैं स्टाइल का, उसके अंदर इंप्लीमेंट होगी। स्टाइल का स्टार्टिंग टैग, स्टाइल का क्लोजिंग टैग, हमारी जितनी भी CSS हम इंप्लीमेंट करते हैं वो स्टाइल के टैग के अंदर की जाती है। ये हमारा पेज बन गया बेसिक स्ट्रक्चर। बॉडी में हम कुछ चीज़ें रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं हेडिंग एक ले लेते हैं, H1 का नाम दे देते हैं, H1 का क्लोजिंग टैग। इसमें हम कुछ भी रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल रख लेते हैं CSS stands for cascading स्टाइल शीट, मान ले कुछ भी लिख सकते हैं। चलो अपनी आसानी के लिए ये मैंने लिख लिया है। इसको करते हैं Ctrl+S, डेस्कटॉप पे रख लेते हैं हम इसको। हमने यार अब ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं वेबसाइट के फोल्डर में, इसको ओपन करते हैं, इसी में हम रखते हैं, सेव कर लेते हैं इसको CSS के नेम से। इसकी एक्सटेंशन क्या होगी? हम CSS यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसकी एक्सटेंशन हम HTML ही रखेंगे, क्योंकि ये हम HTML के अंदर ही इसको यूज़ कर रहे हैं, हम अलग से नहीं बना रहे। अगर अलग से CSS का पेज बनाएंगे तो उसकी एक्सटेंशन हम चेंज करके .css करेंगे। अभी हम HTML के अंदर ही कर रहे हैं, इसलिए हम इसकी एक्सटेंशन .html ही रखेंगे। इसको सेव करते हैं, तो ये देखें साथ ही लेआउट चेंज हो गया। अब देखते हैं जाके वेबसाइट के फोल्डर में, आ गए यहाँ, ये देखें ये CSS के नाम से हमारा पेज बन चुका है। इसको ओपन करते हैं तो ये देखें कुछ इस तरह से शो हुआ है। ये हमारी हेडिंग 1 शो हो गई है। अब कुछ और यहाँ इंप्लीमेंट करके देखते हैं, कोई और एक दो चीज़। यहाँ हम फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं, पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं, पी का टैग। जैसा कि आप सब लोग ये सीख चुके हैं कि पैराग्राफ के लिए पी का टैग यूज़ होता है, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं टुडे वी इम्प्लीमेंट द CSS टैग्स, ये लिख लिया हमने। इसको Ctrl+S कर लेते हैं तो ये ब्राउज़र में गए, इसको रिफ्रेश किया तो ये हमारा पैराग्राफ आ गया। अब अगर हम देखते हैं, ये देखें बैकग्राउंड का कलर हमारा वाइट है, अब हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम CSS अब यूज़ करते हैं। CSS यूज़ करेंगे
जैसा कि पहले आप लोगों को बता दिया है कि स्टाइल के टैग में यूज़ होगा। उसके लिए हम जिस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जो चीज़ करना चाहते हैं, कोई भी एक्शन जिस चीज़ पे परफॉर्म करना चाहते हैं उसी को वही लिखेंगे। जैसे अब हम बॉडी का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे बॉडी ही लिखेंगे, लेकिन टैग्स के बगैर जस्ट बॉडी लिख देंगे, इसके टैग नहीं करेंगे। एंगल ब्रैकेट स्टार्ट्स, इसके अंदर हम काम करेंगे जो लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम करते हैं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर यहाँ आ गया। यहाँ पे इक्वल के लिए, एक मिनट, इक्वल के लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इक्वल का साइन यूज़ नहीं बल्कि कॉलन का साइन यूज़ करेंगे। और एक और चीज़ बता दूँ आपको, ये जितनी भी स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे सीएसएस के अंदर उनको ख़त्म करने के लिए हम सेमी कॉलन का यूज़ करेंगे। इक्वल के लिए कॉलन और ख़त्म करने के लिए, एंड करने के लिए स्टेटमेंट को सेमी कॉलन का साइन यूज़ करेंगे। बैकग्राउंड कलर हम कुछ भी रख सकते हैं, मान ले कि हमने रख लिया है पिंक, सेमी कॉलन लगाया, इसको कंट्रोल एस किया। अब देखते हैं ब्राउज़र में, इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश नहीं हुआ, देखते हैं क्या मसला है उसमें, क्या मिस्टेक है। मिस्टेक हमारी ये है कि बैकग्राउंड कलर के बैकग्राउंड और कलर के दरमियान हमने स्पेस नहीं देनी, बल्कि यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हाइफन का साइन। जब इसको यूज़ करेंगे, अब कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र में गए, इसको रिफ्रेश किया, तो ये देखें साथ ही हमारे बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया। अब अगर हम चाह रहे हैं कि ये पैराग्राफ का जो कलर है हमारा, जितनी जगह पे पैराग्राफ आए उसका भी कलर चेंज हो जाए, तो हम उसको भी यूज़ कर चेंज कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे, ये तो बॉडी का आ गया ना, इसको ख़त्म करते हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ के लिए, ब्रैकेट्स लगाएं, इसमें हम रख देते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर इक्वल के जगह कॉलन का साइन, इक्वल ये लगा लेते हैं हम, कुछ भी कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल रेड कर लिया हमने, इसको कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र में गए, इसको रिफ्रेश किया, तो ये देखें जितनी जगह पे हमारा पैराग्राफ है वहाँ पे हमारा कलर चेंज हो गया है। जितना लंबा पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ की लेंथ जितनी बढ़ जाएगी, उतनी जगह पे ये कलर रेड हो जाएगा। ये चीज़ हमने देख ली। अब अगर हम चाह रहे हैं कि ये दो चीज़ें तो हमने सीख ली हैं, अब हम देखते हैं कि बैकग्राउंड के पीछे ये तो सिंपल आ रहा है ना कि हम कोई पिक्चर सेट करना चाहते हैं, वो कैसे होगी। वो हम जारी सी बात है बॉडी पे लगाएंगे तो वो पिक्चर आएगी पूरी के। उसके लिए हम यूज़ करेंगे टैग, स्टेटमेंट हमारी होगी बैकग्राउंड इमेज, ऐसे लिखा इक्वल, यहाँ पे हम लिखेंगे URL, यानी कि उस पिक्चर का रेफरेंस देंगे, उसकी लोकेशन देंगे। ब्रैकेट स्टार्ट की, उसके अंदर सिंगल कोटेशन के अंदर पिक्चर का हम देंगे रेफरेंस, उसकी लोकेशन बताएंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये लाजमी है, URL लिख के उसके अंदर सिंगल कोटेशन में हम देंगे पिक्चर की लोकेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे पास, इसी में हमारी पिक्चर एक पड़ी हुई है 1, इसी को हम कर लेते हैं फोल्डर के अंदर हमारे पास पड़े, हम उसका रेफरेंस दे देते हैं 1.jpg, jpg आ गई उसकी एक्सटेंशन, इसको करते हैं कंट्रोल एस। अब देखते हैं ब्राउज़र में, इसको रिफ्रेश किया, तो ये हमारी पिक्चर सेट हो गई है। लेकिन ये बहुत लेंथी है, ये काफ़ी कुछ साफ दिखाई नहीं दे रही। अब अगर हम इसको चाह रहे हैं कि हमारे पेज पे कवर हो, ये ऐसे ना दिखाई दे, पूरे पेज पे कवर हो, पूरे पेज पे सेट हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये सेमी कॉलन, हमारा मिस हो गया था, इसको कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र में जाके इसको रिफ्रेश किया, तो ये देखें पिक्चर थोड़ी सी शॉर्ट हो गई, लेकिन अभी कवर नहीं हुई हमारी, बैकग्राउंड पे पूरी कवर नहीं आ रही ये हमारी। अब अगर हम चाह रहे हैं कि वो फिट हो, हमारे पेज पे बिल्कुल फिट आए, तो उसके लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं, स्टेटमेंट यूज़ करेंगे बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज यहाँ पे यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड साइज इक्वल कवर कर देंगे। जब हम इसको कवर कर देंगे तो वो पिक्चर हमारे पेज के ऊपर, पूरे पेज के ऊपर फिट होके दिखाई देगी। कंट्रोल एस करते हैं, ब्राउज़र में गए, इसको रिफ्रेश करते हैं,
तो ये देखें साथ ही हमारी पिक्चर बिल्कुल फिट हो गई हमारे पेज पे, ना ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही ना छोटी दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल फिट हो गई। अब अगर कुछ पिक्चर्स की ये प्रॉब्लम आती है कि वो पिक्चर्स छोटी होती है, तो पूरी है ना, वो छोटी होती हैं तो वो रिपीट हो रही होती है इमेज, वो भी करके देखते हैं। यहाँ से हम कोई छोटी इमेज ले लेते हैं, मेरे पास पड़ी होगी कोई छोटी इमेज, ये देख लेते हैं यहाँ से, जिसकी के साइज़ कम होगा, जिसका साइज़ कम होगा वो इमेज रिपीट हो रही होगी। ये हमारे पास छोटी पिक्चर पड़ी है, इसको हम यहाँ पे रखते हैं, इसका हम करते हैं नाम चेंज, इसका नेम हम रख लेते हैं 2.jpg, ताकि देनी हमारे लिए लोकेशन देनी उसकी आसान हो। इसको हम वेबसाइट के फोल्डर में ही कर लेते हैं पेस्ट। अब हम देखते हैं यहाँ पे देखे 1 की बजाय हम यहाँ पे कर देते हैं 2, इसको कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र में गए, रिफ्रेश किया, तो ये भी वैसे ही दिखाई दे रही है, देखें। अब इसको कवर ख़त्म कर देते हैं, 1 मिनट इसका, ये जो है ना इसको हम कर देते हैं 1 मिनट के लिए कट, क्योंकि ये इसको अभी कवर नहीं करना, आपको एक और टैग दिखाना है, उसके लिए कंट्रोल एस किया, इसको रिफ्रेश किया, तो ये देखें ये रिपीट हो रही है, एक ही पिक्चर बार बार रिपीट हुए जा रही है, ये देखें। अब इसके लिए यूज़ होगा कवर का, कवर का टैग यहाँ पे यूज़ होगा, बैकग्राउंड साइज़ जब कर देंगे कवर, तो फिर ये पिक्चर बार बार रिपीट नहीं होगी, उसके लिए ये पूरे सेट पे हो जाएगी। लेकिन इसकी जो रेपिटेशन है उसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे बैकग्राउंड रिपीट, ताकि हमारी ये जो पिक्चर रिपीट हो रही है ये रिपीट ना हो। बैकग्राउंड रिपीट इक्वल नो रिपीट, सेमी कॉलन, इसको करते हैं कंट्रोल एस, ब्राउज़र में गए, इसको रिफ्रेश किया, 1 सेकंड के लिए इसने काम नहीं किया, देखते हैं क्या मिस्टेक है। मिस्टेक हमारी ये है कि यहाँ पे हमने फिर स्पेस डाल दी, यहाँ पे हाइफन यूज़ होगा स्पेस की जगह, कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र में गए, इसको F5 किया, तो ये देखें ये रिपीट नहीं हो रही, ये रिपीट नहीं हो रही, एक ही जगह पे सेट है। अब अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी पूरे पेज पे फिट होके दिखाई दे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बैकग्राउंड साइज़, जो कि पहले मैंने आपको करके दिखाया है, बैकग्राउंड हाइफन साइज इक्वल कवर सेमीकोलन, इसको कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र में गए, इसको रिफ्रेश किया, तो ये देखें पूरे पेज पे कवर हो गई हमारी, ये हो गई। अब ये देखें ये इमेज लगाई है, तो ये हमारा ये जो हमने एडिंग 1 दी है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, टेक्स्ट वो ब्लैक है, वो थोड़ा हाइट सा हो गया, डल सा हो गया। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे था ना H1 का, अब कर लेते हैं कलर चेंज, हेडिंग 1 ही है ना, तो इसके लिए हम H1 का टैग लिखेंगे, पहले ब्रैकेट स्टार्ट की, उसमें हम लिख देते हैं फ़ॉन्ट का कलर, हम अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सिर्फ कलर, सिंपल कलर लिख के आगे इक्वल कोई भी दे देंगे, इसके लिए हम दे देते हैं वाइट फॉर एग्जांपल, सेमी कॉलर, सिर्फ कलर यूज़ करेंगे, जहाँ भी कलर सिर्फ यूज़ करेंगे सिंपल, तो वो फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर देगा। इसको रिफ्रेश किया, ये देखें साथ ही ये फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो गया, जो आप देंगे वही इसमें हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि मार्की चलाना, जैसे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा वेबसाइट्स के ऊपर एक पट्टी सी चल रही होती है, कोई टेक्स्ट लिखा होता है वो पट्टी चल रही होती है, वो कैसे चलती है वो आप लोगों को करके दिखाऊं। यहाँ पे हम कर लेते हैं उसको हेड में मार्की, उसको बोलते हैं, वो उस पट्टी को चलाने के लिए मार्की का टैग यूज़ होता है, मार्की का स्टार्टिंग टैग, मार्की का क्लोजिंग टैग, इसमें हम कुछ भी लिख लेते हैं, दिस इज आवर साइट, कुछ भी लिख सकते हैं, इसको कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र में गए, F5 किया, रिफ्रेश किया, ये चल रही है
ये देखें, ये यहाँ के आपको दिखाई देगी, लेकिन उसका कलर है ब्लैक। अब इसका हम कलर चेंज करते हैं ताकि हमें दिखाई दे हमारे पेज के ऊपर क्लियरली। तो उसके लिए भी हम CSS में जाके, वैसे भी चेंज कर सकते, लेकिन अब आज हम CSS में कर रहे हैं इसलिए हम CSS में जाके इसको भी देखेंगे। उसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्की का टैग, ब्रैकेट स्टार्ट्स, उसमें हम लिख लेते हैं, उसके भी हम जारी बात है फॉन्ट का कलर चेंज कर रहे हैं, उसके लिए हम सिंपल कलर यूज़ करेंगे इक्वल कॉलन, उसकी जगह हम कर लेते हैं उसका बैकग्राउंड, उसका कलर कर लेते हैं हम रेड। सेव करते हैं, ब्राउज़र में आए, इसको F5 रिफ्रेश किया, तो ये देखें मार्की का कलर साथ ही चेंज हो गया। दिस इज़ आवर साइड, ये देखें ये पट्टी चल रही है, मार्की चल रही है, हमें दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने इतनी ही चीज़ें कवर करनी थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी और आप लोग साथ साथ अपना काम लेकर चल रहे होंगे, क्योंकि लास्ट में मैंने शुरू पहले लेक्चर में शुरू करने से पहले आपको कहा था कि अगर आप साथ साथ काम लेके चलेंगे तो ऐट दी एंड हम लोग इस काबिल हो जाएंगे कि एक कुछ खूब ज़्यादा बड़ी नहीं तो एक कम से कम छोटी सी मिनिमल वेबसाइट अपनी तैयार कर लेंगे। तो अगर आप साथ साथ ये काम अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऐट द एंड हम लोग इंशाल्लाह एक मिनिमल वेबसाइट तैयार कर लेंगे। अगर तो समझ आई हो तो इसको अच्छी तरह से कीजिएगा, अगर ना कोई चीज़ समझ आई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, उस पर आप हमें बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपको समझ नहीं आई। जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत होगी हम आपके लिए हाज़िर हैं। बराए मेहरबानी इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। मुझे शहरी हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।